नमस्कार दोस्तों, अभी आपने इसके जस्ट पहले देखा होगा पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर एक दूसरा प्रमेय, जो कि क्या था कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसी को सिद्ध किया ना, अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को तो चतुर्भुज समांतर होता है, ये सिद्ध कर चुके हैं। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसको करके दिखाएंगे कि हाँ समद्विभाजित करते हैं कि नहीं करते। चलिए देखिए, दिया है क्या क्या दिया है। दिया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये हमें दिया गया है, क्योंकि यही तो सिद्ध करना है ना। ठीक है, लिखिए इसको, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, देखो हमें ये सिद्ध करना है कि ओ ए, यहां पर लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ ए इक्वल ओ सी, वही जो अभी आप इसके पहले किए हैं उसी से रिलेटेड है, और ओ बी इक्वल ओ डी, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, इतना हो गया, नोट करिए। आगे क्या करेंगे, आगे अब हम लोग करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब वही जो अभी आप लोगों ने देखा था पीछे, वैसे ही कुछ करेंगे। त्रिभुज ए ओ डी तथा सी ओ बी में, त्रिभुज ए ओ डी तथा सी ओ बी में उत्पत्ति के लिए आप इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक ना, लिखिए उत्पत्ति। आप थोड़ा वीडियो को रोक करके इसको नोट करिए जल्दी से, हो गया। वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, बैक कर लीजिए दो बार क्लिक करके, जिससे आप जो मिटा दिए उसको भी देख सकिए। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने लिखा था सिद्ध करना है ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी, हो गया। चलिए अब उत्पत्ति लिखते हैं। देखिए जो चीज़ें हम मिटा देते हैं उसको आप पीछे करके वीडियो को लिख लिया करिए, या फिर वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोक भी सकते हैं आप, रोक करके लिख लिया करिए। और कहीं जाता नहीं, आप ये मत सोचा करिए कि हम मिटा दिए तो ख़त्म हो गया, वो वीडियो को पीछे करोगे फिर दिखेगा। ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन है, सब डिजिटल जमाना है ना। चलिए अब आगे क्या करेंगे, उपपत्ति लिखिए त्रिभुज, एक मिनट इसको मैं लगा लेता हूँ, थोड़ा सा रुकना, यदि ये गिर जाता है बड़ी मुसीबत तो ये है। अब ठीक है, नहीं गिरेगा। लिखिए त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी और किसमें, सी ओ बी में, ए ओ डी और सी ओ बी में क्या है, इसमें ए ओ डी और सी ओ बी में, मतलब ये त्रिभुज ये पूरा, ठीक, और ये त्रिभुज जितना मैं घेर रहा हूँ ये, इन दोनों में क्या होने वाला है, लिखिए कोण डी ए ओ, कोण डी ए ओ, डी ए ओ का तात्पर्य है, देखो डी ए ओ मतलब इसी की बात हो रही है, यानी कि ए पर जो कोण बन रहा है, किस पर, ए पर, मतलब ये कोण, ठीक। और कौन है इसमें का कौन होगा, सी वाला बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। लिखिए बी सी डी, क्या कोण बी सी डी, बी सी डी का मतलब जान रहे हो क्या, बी सी डी का मतलब ये हुआ ये वो है ना, ठीक है यार, बी सी डी नहीं होगा लेकिन यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, बी सी ओ, बी सी ओ, हाँ आप सही है, बी सी ओ, ये यानी कि ये कोण, ये दोनों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना। लिखिए आगे, लिखिए एकांतर अंतः कोण, ब्रेकेट में लिखिए एकांतर अंतः कोण। और हाँ एक खास बात और है, ये दोनों एकांतर अंतः कोण है ना, यहाँ पर एक घटना ये भी दिख रही है आपको कि दो भुजाएं समांतर हैं आपस में, कौन कौन सी समांतर, कौन कौन सी हैं, ए डी समांतर बी सी, ए डी बी सी, बताओ समांतर है कि नहीं, ऐसे तो है ना,
समांतर का मतलब क्या होता है, कभी एक दूसरे को काटे ना चाहे जितनी दूर चली जाएं, ये इंडिया के दिल्ली से लेकर के बनारस तक चली जाएं, लेकिन काटे ना आपस में, मतलब सीधा सीधा जाए रेल की पटरी जैसे, ये कभी ऐसे ना करें। तो ये क्या है, यहाँ पर लिखो ए डी समांतर बी सी, ये सारी रस्में हमने पूरा कर दिया। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, नोट करते जाइए, इसको तीन चार बार देखोगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं पल्ले पड़ रहा ना ऐसे याद कर लो, रट लो, ऐसे पेपर में जाना ना जब सिद्ध करने को आएगा ना, ऐसे कुछ आम घास करके नीचे ऊपर लास्ट में सिद्ध कर देना, बस कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन खाली पेज मत छोड़ना। हाँ, बहुत बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ, किसी से बताना मत, खाली पेज कापी छोड़ोगे तो कुछ ना मिलेगा, अगर कुछ किए रहोगे तो उम्मीद रहेगी, लेकिन हाँ सही सही ए बी सी डी कोण त्रिभुज ही लिखना, बाकी यहाँ गाय बछिया मत लिखना, नहीं तो कुछ ना मिलेगा। ठीक ना, इतना हो गया। चलिए अब यहाँ ए डी समांतर तो है ही, साथ साथ में बराबर भी है, किसके, बी सी के, ए डी समांतर है बी सी, सॉरी समांतर तो है ही बराबर भी है, ए डी समांतर है बी सी के, क्यों बराबर है, क्योंकि इसमें एक और भी एक रस्म पूरा करना है, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। लिखिए यहाँ पर लिखिए समांतर, ये चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से मिला है, हमने पहले पढ़ा दिया चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा, इसको लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा इसलिए बराबर है, हम जा कहाँ रहे हैं, हमें कुछ सिद्ध करके दिखाना है इसलिए सब कर रहे हैं। इसमें और भी एक खासियत है, वो क्या है, कोण ए डी ओ कोण सी बी ओ के बराबर है, एकांतर कोण है, कौन कौन, अब देखना ए डी ओ, ए डी ओ का मतलब है ये आला कोण किसके बराबर है, सी बी ओ, सी बी ओ का मतलब है ये आला कोण, बात समझ में आई ना, ये आपस में क्या है, ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है, तो इनको लिख लीजिए कोण ए डी ओ इक्वल कोण सी बी ओ, क्यों बराबर है, यहाँ पर लिखो एकांतर अंतः कोण, अगर अभी तक बचपन से कोण और त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ा है ना तो ये ऊपर से उड़ जाएगा, एक को पल लेना पड़ेगा, इतना लिख लिया ना। अब देखिए हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ जाना था, वो कहाँ पहुँचे हैं, एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं जो लोगों ने सर्वांग समता और सर्व वो पढ़ा था समरूपता, उनको मिल गया होगा बहुत कुछ। अब यहाँ पर त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी या बी ओ सी सर्वांग सम हो गए, क्यों हो गए सर्वांग सम, क्योंकि यहाँ पर देखिए भुजाएँ बराबर हैं, ये कोण भी बराबर है और ये भी कोण बराबर है, दो कोण एक भुजा बराबर है, एंगल एंगल सम क्या बोलते हैं, सर्वांग समता हो गया कि नहीं भाई, दो कोण बराबर है एक भुजा बराबर है सर्वांग सम होता है, दो भुजा बराबर होती है एक कोण बराबर होता है सर्वांग सम होता है, पढ़ा है ना इसको, तो लिख लीजिए त्रिभुज, अतः त्रिभुज कौन कौन ए ओ डी, ए ओ डी सर्वांग सम है सी ओ बी के, ए ओ डी सी ओ बी के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, और जब सर्वांगसम हो गया तो क्या होगा, क्या होगा भाई, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तब क्या होगा, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कह रहा है ना, और आपने ये भी सिद्ध करा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः ए ओ बराबर ओ सी, और फिर कामा लगा करके लिख लो ओ डी बराबर ओ बी, इति सिद्धम, संस्कृत में लिखते हैं अच्छा लगता है ना, देखे हो गए आप, लिखा रहता है, या फिर हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए अंग्रेजी के जमाने में, नहीं तो लिख दीजिए इति सिद्धम, मतलब आता है सिद्ध हुआ, नीचे कामा लगा दीजिएगा, मतलब कामा, तो ये एक परमीय सिद्ध हो गई आपकी, इसकी अगली परमीय हम आपको दिखाएंगे अगली क्लास में, तो उसको भी देखना, उसकी लिंक हो सकता है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, सारे परमीय की लिंक आपको मिल जाएगी, और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ऑन करिएगा जिससे आपको अपडेट मिल सके, तो कर लीजिएगा, पेपर बहुत कम दिन बचा है।
अगली क्लास में हम लोग ये प्रमेय सिद्ध करेंगे। कौन सा? एक चतुर्भुज समांतर होता है, एक क्वाड्रेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होता है। कब होता है? जब उसके सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, जैसे कोण ए जो है कोण सी के बराबर होता है और कोण बी कोण डी के बराबर होता है, तो ये चतुर्भुज समांतर होता है। ये सिद्ध करके दिखाना है। इसको हम देखेंगे अगले भाग में। अगला भाग जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई प्रकार की सहायता चाहिए या फिर व्हाट्सएप पर सारी क्लास चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन फोर्थ सेमेस्टर लिख करके भेज दीजिएगा। आपको क्लासें व्हाट्सएप पर मिलेंगी, लेकिन इस समय पेपर होने वाला है तो आपको शॉर्टकट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे मात्र 250 रुपये में। 10 दिन के अंदर आप सारा रिवीजन कर लीजिएगा। अभी बहुत टाइम बचा है ना, 10 दिन का टाइम बचा है लगभग में। आप 10 दिन के अंदर सब कुछ रिवीजन कर सकते हैं। तो इकट्ठा आपको स्पेशल जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं भेज दिए जाएंगे। बाकी कोर्स तो ख़त्म करने का टाइम है नहीं फिलहाल। कोर्स वैसे आपका ख़त्म हो गया, लेकिन अब आप देख नहीं पाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो देख चुके हैं, कोर्स आपका पूरा हो चुका है, ठीक ना। तो चलिए अगला भाग देखिएगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुक्रिया।